उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। तनाव एक द्वंद है जो मन एवं भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। तनाव अन्य अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। उससे मन अशांत, भावना अस्थिर एवं शरीर अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। ऐसी ही परिस्थिति में हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और हमारी शारीरिक व मानसिक विकास यात्रा में व्यवधान आता है। आज की इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी में हर व्यक्ति कामयाबी की ओर भागता हुआ नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रुकना ही पड़ता है। ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित 9 दिवसीय शिविर, जिसमें अलविदा तनाव का मुख्य विषय लिया गया है, आज व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में, शारीरिक और ऐसे जीवन में भी एक घर कर लिया है, एक अलग घर बना लिया है, जहाँ से हम अपने आप को, स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कार्य प्रणाली हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, लेकिन तनाव ने हमें इस प्रकार से घेर कर रखा है कि जहाँ से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर से पूनम जी ब्रह्म कुमारी से आई हुई है, जिन्होंने तनाव मुक्त जीवन जीने का एक प्रणाली है वो 9 दिवस शिविर में सिखाया गया है। बढ़ चढ़ कर लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया है। आइए बात करते हैं रंजन दीदी और पूनम दीदी, जो इंदौर से आई है, उनकी सकारात्मक सोच को आज हम सुनते हैं और सभी को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। डिटैचमेंट और अटैचमेंट के इस थियोरी के अनुसार तनाव को करे डिटैच और खुशियों को करे अटैच, इसी थियोरी के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे इंदौर से आई हुई पूनम दीदी, जिन्होंने इस थियोरी के आधार पर आज हमसे विशेष चर्चा की है। धन्यवाद, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का जो विषय था ब्रह्म कुमारी के द्वारा वलसाड़ में जो शिविर हो रहा है वो है अलविदा तनाव। इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी में हमने देखा है किस प्रकार से हम तनाव से गुजर रहे हैं। आज हर क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जिम ट्रेनर क्यों ना हो, शारीरिक तो हम लोग शक्ति मिल जाती है, लेकिन मन की शांति कहाँ ढूंढने जाए, जबकि वो अंदर ही है लेकिन हम उससे परिचित नहीं है। तो हमारे मन की शांति को, जो हमारे आत्मा के भीतर है, जो हमारे अंदर ही है, उसे परिचित करवाने के लिए ही ब्रह्म कुमारियों ने एक, कहते हैं, एक बहुत बड़ा बेड़ा जो है वो अपने कंधों पर लिया है और समाज को तनाव मुक्त समाज, एक खुशी वाला समाज बनाने के लिए वो लोग आज वलसाड़ में जो 9 दिवसीय शिविर यहाँ पे किया जा रहा है, तो आप सब शामिल होइए। हमारे साथ दीदी यहाँ पे उपस्थित है जो इंदौर से आई है। दीदी, आपका स्वागत है। दीदी, आज के इस समय में मैंने देखा है कि चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के जो व्यक्ति हो, वो हो, सब कुछ है, लेकिन मानसिक तनाव से वो लोग आज भी जूझ रहे हैं, तकलीफ में है, रात को नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो ये जो वजह है वो क्या है, वहां से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे निकला जाए बाहर? ओम शांति। जैसा आपने कहा कि हर वर्ग तनाव से जूझ रहा है, उसका मेन रीजन ब्रह्मा कुमारी बताती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल, जो हमारा ओरिजिनल भारतवासियों का कल्चर है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हमने अपनी संस्कार और संस्कृति दोनों को वेस्टर्न अपनाते जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, दोनों चेंज हो गया। फिर आप खान पान देखिए, पहले की लाइफ में फास्ट फूड नाम ही नहीं था, आज फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, माना हर सेक्टर में, चाहे वो हमारे सोचने का तरीका है, भोजन है, रहन सहन, फैमिली में कैसे रहना, इन सब सेक्टर्स में जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो एकदम भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है उससे दूर होती जा रही है, और इसी के कारण ही ये तनाव जीवन में बढ़ता जा रहा है।
आज आप देखिए, पहले लोग नेचुरल खुश रह लेते थे और आज हंसने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, लाफिंग क्लब्स में जाना पड़ता है जी। पहले ऐसे ही पैदल चल लेते थे तो फिर ये डायबिटीज और ये सब होने के चांसेस कम होते थे, और अभी थोड़ी दूर भी हम नहीं चल पाते। तो ब्रह्मा कुमारी भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है उसको वापस जागृत कर रही है, एक अवेयरनेस ला रही है कि जो हमारा भारत देश है उसकी संस्कृति और उसके संस्कार सबसे ऊपर है जी, और वो जब लोगों में आएंगे तो हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल दीदी, एक प्रश्न और है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज इस टेक्नोलॉजी के समय पर हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है कि हमारे पास ना अपनों के लिए समय है ना स्वयं के लिए समय है, तो उस जो तकलीफों से हम जूझ रहे हैं तो वहां से खुद के लिए समय और अपने परिवार के लिए अपनों के लिए समय कैसे निकाले, भले आधा घंटा ही होली 24 घंटे में से क्या आधा घंटा निकाल नहीं सकते हम लोग, तो वहां उस परिस्थिति से आज लोग जूझ रहे हैं। सबका एक ही सवाल है, ऑनलाइन की दुनिया के अंदर आज आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलेगा वो है सच्चा साथ और किसी का समय, तो वहां से कैसे निकाला जाए। देखिए ब्रह्मा कुमारी बताती है हर चीज में बैलेंस चाहिए। बिल्कुल, आज टेक्नोलॉजी का यूज है तो यूज करना पड़ेगा साधन, नहीं तो हम कहते हैं अपना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी यूज करते हैं पर कब मुझे उस चीज को यूज करना है और कब मुझे उस चीज से विड्रॉ होना है जी, ये बैलेंस की कला जी। सारा टाइम अगर हम उसमें इन्वॉल्व हैं, लोग आजकल सोते सोते भी उसका साथ नहीं छोड़ते जी। इवन नींद में भी चेक कर लेंगे क्या मैसेज आया, इसलिए प्रॉपर नींद नहीं होती। तो हम सारी युवा पीढ़ी या जो भी जनरेशन है उसको यही कहना चाहते हैं कि हमें प्रोग्रेस करनी है, दुनिया के साथ चलना है, तो जो साधन विज्ञान ने दिए हैं अच्छे से यूज करिए, पर कब यूज करना कब उससे विड्रॉ होना जी, ये हमको बैलेंस अगर आ जाए तो पीस ऑफ माइंड भी आ जाती है। बिल्कुल, फिर परिवार के लिए भी समय निकलता है जी, अपने लिए भी निकलता है, तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट जी ये कला सीखनी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात आपने कही, अटैचमेंट और डिटैचमेंट हम सबको आना चाहिए, कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, टेक्नोलॉजी ने हमें बांध के नहीं रखा, हमने उसे बांध के रखा है, ये बहुत जरूरी जान लेना। दीदी आपका भी स्वागत करती हूँ मैं, जो मैंने कहा है वही मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज के इस स्मार्ट युग के जमाने में समय में मैंने देखा है कि समय दौड़ नहीं रहा है, हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें रुकना होता है शांति के लिए, तो कैसे अपने आप को उस शांति के राह पर ले जाए उस पर जरा चर्चा कीजिए। जैसे आप अभी सुन रहे हैं आयुर्वेदा तनाव प्रोग्राम के बारे में, और अभी अभी आपने पूनम बहन के द्वारा ये भी सुना कि कैसे अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों का भी बैलेंस रखना है, लेकिन ये बैलेंस हमारे पास आएगा कैसे, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो राज्यों का मेडिटेशन सिखाया जाता है, जब उस राज्यों का मेडिटेशन को हम अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं और पॉजिटिव लाइफस्टाइल को हम जब अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो बैलेंस आ जाता है कि हम कर्मयोगी हैं, प्रवृत्ति में है तो प्रवृत्ति तो करनी ही है, लेकिन प्रवृत्ति करते हुए भी हम प्रवृत्ति से डिटैच कैसे रहे, तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो बैलेंस है ये हमें योग मेडिटेशन सिखाता है। एक आध्यात्मिक जीवन शैली को हम अपनाते हैं तो वो हमें सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका भी। मैं अंत में इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि बहुत सही वाक्य उन्होंने हमें समझाया है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, जैसे हम लोग चार्जिंग के बाद मोबाइल को डिटैच कर देते हैं उसके प्लग से, वैसे ही कार्य प्रणाली खत्म होने के बाद अपने आप को उस प्रवृत्ति से आपको अलग होना पड़ता है, जैसे कि जीवन और मृत्यु एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट है। जब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है विश्व इस दुनिया को छोड़कर, तब डिटैच तो हो जाते हैं शरीर से, लेकिन हम उनकी यादों को हमारे साथ हमेशा अटैचमेंट के साथ रख लेते हैं, हमारे साथ हमेशा हर पल रहते हैं, लेकिन शरीर डिटैच हो सकता है लेकिन आत्मा और जो अनुभव है जो फीलिंग्स है वो कभी भी हमसे डिटैच नहीं हो सकता। तो ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो ये कि प्रक्रिया एक प्रणाली है उसे बैलेंस करना हमें आना चाहिए। जीवन का रिमोट हमारे हाथ में ही है, खुशियां अटैच करिए और जो तनाव है उसे आप डिटैच करिए,
इसी का नाम है अलविदा तनाव। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो वाक्य दिया गया है अलविदा तनाव और अटैचमेंट अटैचमेंट का जो एक थियोरी है उसे जानना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे आगे ये शिविर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर विषय पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। मुझे अब आज्ञा दीजिए। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।